कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के जितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं उधर पे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। पहला जब से डॉक्टर के सुधाकर आए कांग्रेस से भाजपा होके आए, इसका मतलब पहला भ्रष्टाचार शुरू होता है ट्रांसफर ऑफ डॉक्टर्स पे। डॉक्टर ट्रांसफर है कई लाखों से, कई एकड़ कई जमीन आज तक अभी रजिस्टर हो रहा है, उसका दाखला मेरे को मिल रहा है। अभी एक मेरे को रायचूर से कोई एक बंदे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मिस्टर सलाम करके उनका एक अर्जी देखा मैं, इधर से अर्जी जो मेरे को आई हुई अर्जी देखा। इस अर्जी में क्या है जिसके ऊपर हम सरकार को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी और हिज एक्सेलेंसी गवर्नर से ये पूछ रहा हूं मैं, अभी मैं मेरा पिटीशन दर्ज कर रहा हूं कि भाई इनके ऊपर सैंक्शन दो, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिस पीपुल, दिस करप्टेड पीपुल्स। कौन है करप्टेड में? जो डिप्टी कमिश्नर रायचूर का है और हॉनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल कुमार है और जो 9 डॉक्टर्स हैं इसमें, जो एकदम स्पेशल ऑफिसर जो हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी राजीव गांधी ओपेक हॉस्पिटल रायचूर में। इसमें क्या है, पहली बात 300 बेड के हॉस्पिटल में ये अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ये ह्यूज है, अपने इराक से अमेरिकन ये पूरे कंट्रीज दुनिया के अंदर पहला रायचूर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, रायचूर में अपने हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अपनी अर्जी रखा कि भाई हमारे साथ जुड़िए आप, हमें ये लोगों को दवा देंगे, हमें हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, बना दिए एक जो 4-5 साल के पहले बना दिए। अभी वो हॉस्पिटल को लेडीज हॉस्टल कन्वर्ट किया गया और कोई मेंटेनेंस नहीं है उस पे, और 350 बेड का एक स्लम लग्जरी हॉस्पिटल जो अमेरिकन इराकी ईरान सऊदी अरब और दुनिया के तमाम रिच कंट्री का जो पैसा आया गया उसमें पैसा स्टेट गवर्नमेंट का भी गया, इतनी तमाम से गए हैं, इसमें जो 9 डॉक्टर्स हैं जो पैसा दे के अपनी जगह पे ट्रांसफर करके गए हैं, ये तमाम डॉक्टर्स में मिस्टर नागराज गढ़वाल भी है, एक न्यूरो सर्जन है और स्पेशल ऑफिसर है। ऐसे 9 बड़े बड़े सर्जन कार्डिया किडनी चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये तमाम के 9 बड़े सुपर जिसका तनख्वाह 2 लाख एंड अबव है और पूरे तमाम चीज है वहां पे। जो COVID-19 का जितनी दवाई पहुंचे अपने फॉरेन कंट्रीज से जितने फॉरेन मुल्कों से ये पूरी दवा जमीन में दफन कर दिए, जमीन में इसको बुरी कर दिए गए ये हॉस्पिटल से, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं करे, इसको पेशेंट्स को तक अंदर नहीं लिए। पेशेंट जितने आते हैं अभी तक पूरे माइनर 2 सर्जरी किए, सिर्फ दोनों सर्जरी किए इतनी बड़ी हॉस्पिटल में। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर सुधाकर के ऊपर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल के ऊपर और रायचूर डिप्टी कमिश्नर के ऊपर है, कैसे ये 9 डॉक्टर जो ट्रांसफर होके घोटाला कर्नाटक में डॉक्टर सुधाकर के मिनिस्ट्री में हो रही है। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है डॉक्टरों का, क्या है ओनली ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या मकसद से दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं नहीं है, तो ये ट्रांसफर का स्कैम है, ट्रांसफर का बहुत बड़ा इसका करप्शन है। इसके अंदर जो 9 बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं वो 9 के 9 भी अपनी बड़ी पैरेलल हॉस्पिटल्स बनाए हैं रायचूर में, जिसमें इधर का पूरी दवा उधर जाएगी और पूरा अपना जितना मेडिकल इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल उधर किया जा रहा है। कोई इंस्पेक्शन ना डिप्टी कमिश्नर स्पेशल का है, ना डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन का है, ना मिनिस्टर का कुछ इसके ऊपर दबाव है, ना हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इसके ऊपर है ये तमाम चीज। और इसमें अभी एक रिपोर्ट में एनालिसिस किया मैं,
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंपनीज ऑफ वर्ल्ड जिसका ऑस्ट्रिया में है, यूरोपियन कंट्री में हेड ऑफिस है, वो लक होता है, लगकर जिस कंट्री जिस जगह वो कदम रखे वो कंट्री को हो सक माला माल कर सकते हैं। एक बिलियन का मतलब है 7-8 हजार करोड़ रुपया, उन्हें 10 बिलियन 100 बिलियन भी डालेंगे तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, इन्हें कोलाबोरेशन में डालेंगे, इंडिया को पूरा मालामाल कर सकते थे। इसका जो रिपोर्ट उनके पास मिला है, कोई आज तक दोनों सर्जरी का जब से बना है अभी तकरीबन आरटीए में 2-3 साल का लिया कोविड से देख रहा हूं मैं, इसमें 2 सर्जरी वो भी माइनर सर्जरी किया है। तो इसकी जिम्मेदारी हॉनरेबल रेस्पेक्टेड हिज एक्सेलेंसी गवर्नर लेते हुए इनको सैंक्शन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 19 पीसी एक्ट में 1988 और सीआरपीसी 173 प्रोसीजर कोड में इमीडिएट तुरंत देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मिनिस्टर को खुद अरेस्ट यानी प्रोसिक्यूशन नहीं करते, मेडिकल मिनिस्ट्री में कर्नाटक में जितने हैं लोग 7 करोड़ में तकरीबन 3 करोड़ लोग मर जाएंगे। कोविड में कितने लोग गए, ये न्यू बर्थ हुआ इसमें टैली हो गया, अदरवाइज गिनती ज्यादा है। ये जितनी भी सरकारी तिजोरी से जा रहा है पैसा, एक डॉक्टर का मिनिमम तनख्वाह पर्क्स के साथ 2 लाख प्लस होता है, ऐसे 9 से 20 डॉक्टर एक हॉस्पिटल में है, दवा जाती है और फॉरेन का पैसा आया है। अभी इसी अंदाज में हर जगह हर कंट्री में, आप कौन से भी कंट्री में बात करो, लंदन यूरोप अपना सऊदीया दुबई का हम भी बात करो, ओपेक का रिपोर्ट है जो रायचूर में बनाई गई हॉस्पिटल का क्या हाल हुआ है, हॉस्पिटल को हॉस्टल बनाया गया 350 बेड, हॉस्पिटल में 2 आदमी को सर्जरी नहीं किया गया, और जितने हॉस्पिटल जो पेशेंट्स आते हैं ये पूरे पेशेंट दूसरी जगह अपनी प्राइवेट कारखाना बना के प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर ये 9 डॉक्टर्स बनाते हैं, ये शर्म की बात नहीं है, ये इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस है। इसमें सीएम हॉनरेबल सीएम बम्बई का भी कोई हम अपील करेंगे, जब बोलते हैं इन लोग पहले हेल्थ मिनिस्ट्री सही होना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा हेल्थ को जाता है और बहुत बड़ा प्रोक्यूरमेंट होता है, और डॉक्टर्स का खुद क्योंकि डॉक्टरों को तनख्वाह 2 लाख प्लस अबव होता है, तो डॉक्टरों का अपनी जगह जाएंगे और अपनी क्लिनिक अपनी जायदाद में अपनी क्लिनिक बनाएंगे, सरकार की पूरी सिमिलर पैरेलल हॉस्पिटल उधर पे चलाएंगे, मशीनरी उधर पे पहुंचेगी। ये गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट और हेल्थ मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीट से कोई आज तक उसकी ना इंस्पेक्शन हुई ना इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने डाले। इसलिए मेरी पिटीशन अभी हॉनरेबल हिज एक्सेलेंसी को लगी है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मेरी पिटीशन जा रही है कि भाई ये लोगों के ऊपर तुरंत इंक्वायरी फेस करके प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की मांग किया हूं। उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल 226 और क्रिमिनल पिटीशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।